आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लेक्चर समझे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ कीमोथेरेपी। इंट्रोडक्शन लेक्चर है कीमोथेरेपी का। एंटीबायोटिक्स सारी जानने से पहले आपको बैक्टीरियाज के बारे में पता होना चाहिए जिनसे हम डे रूटीन प्रैक्टिस के अंदर इंटरफेयर होते हैं। कोकाई और बैसिलाई, जिनमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम निगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम निगेटिव बैसिलाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई की मैं बात करूँ तो स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, स्टेफलोकोकस, जिसकी वजह से हमारे जितने भी डेंटल इन्फेक्शन है, पीडीएल एब्सेस है, पेरियोपाइकल एब्सेस है, पेल्पाइटिस है, अनग है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ये मिलकर जो है वो इन्फेक्शन करते हैं। पस जो है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हम इनको बोलते हैं, एब्सेस बनना इनसे स्वाभाविक बात है। स्ट्रेप्टोकोकस, जिसकी वजह से सोर थ्रोट जैसी कंडीशन आती है, टॉन्सिलाइटिस आती है, सिस्टमिकली अगर ये बैक्टीरिया चले जाएँ तो सेप्टिसीमिया, एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, बैक्टीरीमिया भी। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोने जो है, इससे निमोनिया जो है वो होता है। ग्राम निगेटिव कोके की मैं बात करूँ तो निजेरिया जो है वो ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई है। इसकी दो स्पीसीज मेनिंजाइटिस एंड गोनोरिया, जिसकी वजह से होता है मेनिंजाइटिस, और दूसरी की वजह से गोनोरिया, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर मैं बैसिलाई की तरफ जाऊँ तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की तरह से होता है हमारा कोराइनी बैक्टीरियम, जो करेगा हमारा डिप्थीरिया। माइकोबैक्टीरियम जिसे होती है टीबी, क्लोस्ट्रीडियम की दो स्पीसीज टेटनाई और परफ्रेंजेंस। टेटनाई जो है वो हमारा टेटनस करती है, और परफ्रेंजेंस से दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन इज़ द गैस गैंग्रीन एंड नंबर टू इज़ द फूड पॉइजनिंग। बड़ी रेयर कंडीशन है क्लोस्ट्रीडियम वाली। एक्टिनोमाइसिस विच इज़ अ बैक्टीरियल प्लस फंगल, दोनों की तरह ये रिजेंबल करती है। ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया है, साथ ही साथ हमें फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिनोमाइसिस में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लोस्ट्रीडियम की तो ये जो है वो रेयर कंडीशन है, गैस गैंग्रीन और ये टेटनस जैसी कंडीशन काफ़ी हद तक नहीं देखने को मिलती डे रूटीन प्रैक्टिस के अंदर। ग्राम निगेटिव को जो है हमारे बैसिलाई, जो एंटीरोबेसियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ईकोलाइक क्लैब्सियाला, प्रोटीयस, सेल्मोनेला, सिजेला, जो है हमारे सूडोमोनास, जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन होता है, शिजेला से बैसिलरी डाइसेंट्री होती है, साल्मोनेला हमारा टाइफॉइड करता है, और ये तीनों जो है वो यूटीआई के अंदर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम इनको एरोबिक और नॉन एनारोबिक के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे हैं जो एरोबिक है, कुछ ऐसे हैं जो नॉन एरोबिक है। ये जो हमारे ईकोलाइक क्लैब्सियाला है, ये हमारे एनारोबिक है, जबकि प्रोटीयस साल्मोनेला एरोबिक है, इसीलिए हम एरोबिक और एनारोबिक की क्लासिफिकेशन नहीं डाल सकते। तो ये जो है वो हमारे डे रूटीन प्रैक्टिस के बैक्टीरिया है, जिनकी वजह से यूटीआई, टाइफॉइड, बैसिलरी डायसेंट्री, ये सूडोमोनास से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं आपको, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड, सल्फोनामाइड्स, कोट्रिमेक्सोल, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और ये फ्लोरोक्लोरोलिन, फ्लोरोक्विनोलिन्स। तो शुरुआत करते हैं पेनिसिलिन से, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई या ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है। मेजरली ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर जब ये पीडीएल एब्सेस, पेरियोपाइकल एब्सेस होती हैं, पल्पाइटिस होता है, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है, अनग जिसे हम बोलते हैं, इन कंडीशंस के अंदर, मोस्ट ऑफ द डेंटल इन्फेक्शंस के अंदर जो है हम वो पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसे ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली इन निजेरिया कंडीशन। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर अगर हम देखें तो क्लोस्ट्रीडियम और कोराइनी बैक्टीरियम से जो डिप्थीरिया होता है, ये रेयर कंडीशन है, इनको ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। मेनिनजाइटिस और ये गोनोरिया जो ग्राम नेगेटिव निजेरिया की वजह से हुआ है, उनको भी हम ट्रीट करते हैं टू लेजर एक्सटेंट। तो ग्राम पॉजिटिव इसका प्रीडोमिनेंट रहेगा कि पेनिसिलिन जो है वो ग्राम पॉजिटिव को ट्रीट करेगी। सिफेलोस्पोरिन की मैं अगर बात करूँ तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये स्टार जिनके ऊपर लगा रखा है उसका मतलब है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर भारी पड़ेगी। पॉजिटिव ये देखिए आप, चार में मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है, दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन, दिस इज़ सेकेंड जनरेशन, दिस इज़ थर्ड जनरेशन एंड दिस इज़ फोर्थ जनरेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें, पॉजिटिव अगर ग्राम बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो फर्स्ट जनरेशन में ये बड़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। 3+ मैंने अगर लगा रखे हैं इसके आगे, सेकंड जनरेशन में 2+ है, थर्ड जनरेशन में सिंगल प्लस है और फोर्थ जनरेशन में सिंगल प्लस है। तो मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ सिफेलोस्पोरिन जनरेशन वाइज पावर इनकी घटती जा रही है, जबकि ग्राम निगेटिव
जैसे जैसे जनरेशन आगे चलेगी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन वाली हैं वो ग्राम निगेटिव के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फर्स्ट जनरेशन वाली जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये बताने की कोशिश कर रखी है मैंने ये प्लस लगा के। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करेगी। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फेक्शंस, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। मोनोबैक्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये है एस्टिरोनैम, जो हम देते हैं सिर्फ ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है, इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। मोनोबैक्टम इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सिंगल बैक्टम है, सिंगल जो रिंग है बैक्टम रिंग है वो सिंगल है, इसीलिए इसका नाम रख दिया मोनोबैक्टम। वर्क ओनली अगेंस्ट द ग्राम निगेटिव इन्फेक्शंस वेदर फ्रॉम बैक्टीरिया और वेदर फ्रॉम कोकाई। कार्बेपेनम्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए काम करेगी। गोली का नाम लिख रखा है मैंने इमेपेनम, जिसको हम साथ में मिला के देते हैं सिलास्टेटिन के साथ। क्यों देते हैं हम ये सिलास्टेटिन के साथ? ये जो इमेपेनम है ये किडनी के अंदर जाके एक्सक्रीट हो जाएगी, उसको रोकने के लिए हम सिलास्टेटिन देते हैं, जो डीहाइड्रोपेप्टाइडेज जो प्रेजेंट होता है किडनी के रीनल टिब्यूल के ब्रश बॉर्डर के अंदर वो हाइड्रोलिसिस नहीं होने देगा इस इमेपेनम की, तो ये टूटेगी नहीं और एक्सक्रीट नहीं होगी थ्रू यूरिन। तो इसीलिए हम सिलास्टेटिन जो है वो मिला के देते हैं इमेपेनम के साथ। सो इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है कार्बेपेनम्स इन द क्लासिफिकेशन अंडर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अगर मैं चलूँ मैक्रोलाइड्स की तरफ तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसको ये प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट करता है, लिमिटेड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटीज की देखी गई है। मैक्रोलाइड्स जो है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, अगर इसकी कम कंसंट्रेशन होगी तो ये स्टैटिक है, कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये सिडल एक्टिविटीज़ को देखने को मिलती है। सल्फोनामाइड्स जिसके आगे मैंने स्टार लगा रखी है, दिस इज़ ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ जो है वर्क करता है। इनके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर लूँगा, पेनिसिलिन के ऊपर, सिफेलोस्पोरिंस के ऊपर, मैक्रोलाइड इन सब के ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, ये सिर्फ इंट्रो लेक्चर है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, यहाँ पे कोट्रिमेक्सोजोल जो कॉम्बिनेशन है एक सल्फोनामाइड का और साथ में हम मिलाते हैं ट्राइमेथोप्रिम विच इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, सिर्फ वर्क करेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। टेट्रासाइक्लिन्स की अगर मैं बात करूँ, साथ ही साथ क्लोरमफेनिकोल का भी नाम आता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर डाले गए हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव के अंदर भी इसका देखने को मिलता है। ग्राम नेगेटिव जो भी हैं यूटीआई टाइफाइड बैसिलरी डायरिया के खिलाफ हम देते हैं, जबकि पॉजिटिव के अंदर हम इसे देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज़ यूज्ड इन एज अ फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर, हमने डाल रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। सूडोमोनल इन्फेक्शन विच इज़ अ ग्राम निगेटिव बैसिला इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन जिसकी वजह से होता है, तो ये दोनों के अंदर काम करती है, तो हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में डाल रखा है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जिनको हमने ब्रॉड में डाल रखा है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के खिलाफ जो है ये इफेक्टिव है, दोनों के खिलाफ काम करते हैं। अगर मैं बात करूं एंटी अमीबिक ड्रग्स की, फंगल की, वायरल की, मलेरियल की और हेलमेंटिक की, तो ये जितनी भी चीज़ थी ये सारी थी एंटी बायोटिक्स जो थी, ये हमारी एंटी बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियाज जितने मैंने आपको बताए इनके खिलाफ जो है ये वर्क करेंगी। सेपरेट लेक्चर है मेरे पास इनका। एंटी अमीबिक ड्रग्स जो हैं वो हमारी एमेट्रोनिड जेल, टीनेड जोल, ई हिस्टोलिटिका, जीआरडी और ट्रिपोनमा वेजनलिस के खिलाफ जो है ये काम करती हैं, ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनियासिस और ये जीआरडीएसिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। वाइडली यूज्ड जो ड्रग है वो हमारी एमेट्रोनिड जोल है। एंटी फंगल की अगर मैं बात करूँ तो एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन और ये क्लोट्रिमेजोल, कीटोकोनाजोल और मीकोनाजोल का इस्तेमाल जो है वो हम वाइडली करते हैं, जिनमें दो ड्रग्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। कैंडिडियासिस की अगर मैं बात करूँ जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर और एड्स के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट के अंदर जो है ये फंगाई जो है वो लग जाती है। कैंडिडा एल्बिकेंस की बात कर रहा हूँ, निस्टाटिन और ये क्लोट्रिमेक्जोल दोनों की दोनों जो है वो इफेक्ट करती हैं। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, किसी भी टाइप की फंगाई हो उसको ये सिडल करेगी, उसको ये किल करेगी। एंटीवायरल की बात करूँ तो एंटी हर्पीज जो है हमारे पास, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, हर्पीज का कोई भी इन्फेक्शन हो, वेदर इट इज़ अ हर्पीज जोस्टर शिंगलाज इन्फेक्शन है या फिर हमारा चिकन पॉक्स है, हमारा मीजल्स है, हमारा कोई भी इन्फेक्शन हो हर्पीज का,
एप्स्टीन बार वायरस से इन्फेक्शन है, साइटोमेगलो वायरस से हमारा इन्फेक्शन है, उन कंडीशंस के अंदर जो है हम ये तीन गोलियां जो है वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। एचआईवी के अंदर जो है हम जुडोविडाइन गोली देते हैं, नॉन सेलेक्टिव। कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपको लगा है तो इंटरफेरेंस और रिबावरिन का इस्तेमाल जो है वो देखने को मिलता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स की मैं बात करूँ तो पहले इस्तेमाल होती थी क्यूनीन, अब जो है वो इस्तेमाल होने लगी है क्लोरोक्वीन और ये प्रेमाक्वीन। एंटी हेलिमेंटिक की मैं बात करूँ तो जितने भी नीमोटोड्स, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, विफ वर्म, थ्रेड वर्म, जितने भी टाइप के वर्म्स हैं सबके खिलाफ एक्टिव अगेंस्ट ऑल एक्टिव वर्म्स जो है हमारी ये एल्बेंडाजोल एंड ये मेबेंडाजोल जो है सारे हेलिमेंट्स के खिलाफ वर्क करती है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मेरा अगला लेक्चर पेनिसिलिन पे होगा। थैंक यू।